दिस इज मी अक्सा मीमन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 12 दिन बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। अच्छा, मैंने लगाई थी स्टोरी क्यू एन ए विद मी, तो अब आपके सवालों का जवाब मैं जो है देने वाली हूँ। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इतने सारे सवाल हैं आप लोगों के, तो आप जल्दी जल्दी जवाब देते हैं, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले सवाल है अलीशा का। हेलो अक्सा, आई एम योर बिगेस्ट फैन, हाउ आर यू गर्ल, कैसी चल रही है लाइफ? हेलो अलीशा, थैंक यू सो मच, आप फैन है मेरी और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिंदगी बहुत हसीन चल रही है, अच्छी चल रही है, ठीक है? उसके बाद हमना स्माइल, हाउ मैनी सिबलिंग्स यू हैव? अच्छा, हम हैं 4 बहनें, 2 भाई और जो है हजूर में हंस रही हूँ, और जो है क्या कहते हैं, बड़ी बहन की शादी हो गई है, ठीक है? और बस हम उसके बाद हम कितने हैं, 5। जिद्दी चौकरी का क्वेश्चन है, आप ही क्या आप मुझसे मीटअप रखेंगी? आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आई लव यू। तो मीटअप नहीं रख सकती ऐसे, मतलब बाहर कहीं, अगर आप चाहें तो मेरे घर आ सकती हैं आप मुझसे मिलने, ओके? थैंक यू। अलिशबा मेमन का क्वेश्चन है, व्हाट आर यू डूइंग, आई मीन स्टडीज, बाय द वे यू लुक आर प्रीटी, माशाल्लाह, प्यारी माशाल्लाह। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ आजकल? आजकल मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ और सो जाती हूँ, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और थैंक यू सो मच तारीफ के लिए। अतर राजी का क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू डू फ्रेंडशिप विद, प्लीज़ रिप्लाई, आई विल वेट यूर रिप्लाई ऑन यूट्यूब। अच्छा, पहली बात कि मैं लड़कों से दोस्ती नहीं रखती, वो वजह क्या है उसकी बता देती हूँ। वजह ये है कि ना, अगर मैं दोस्त लड़के बना लूँ, ठीक है, तो क्या होता है, वो मुझे डायरेक्ट प्रपोज कर देते हैं, और अगर मैं उनको मना करूँ तो बेचारों का दिल दुख जाता है। तो ये वजह है कि मैं दोस्ती नहीं रखती लड़कों से। इसके बाद है रेहान जान 528 का क्वेश्चन है, हाय हाउ आर यू, आप माशाल्लाह बहुत क्यूट हैं, आप कहाँ से हो, क्या करती हो, मौला पाक आपको खुश रखे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको खुश रखे। हेलो, मैं ठीक हूँ, और जो है मैं क्या करती हूँ, मैं बस खाती पीती सो जाती हूँ एज ऑलवेज। और आप कहाँ से हो? मैं कराची से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, ओके। फिजा क्वीन पूछ रही है योर क्वालिफिकेशन। अच्छा, क्वालिफिकेशन जो है मेरी वो ये है कि मैंने इंटर किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी इंटर में थी 85%, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा जो है अभी जो है मैंने इंटर किया हुआ है, और एक साल हो गया है मुझे इंटर किए हुए, और मैंने इस साल एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में, तो वो क्या हुआ था कि मैं टेस्ट में फेल हो गई, सिर्फ आई थिंक 5 नंबर से मैं रह गई थी, और उसके बाद मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ। तब तक मैं, अगर मैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया मैंने, तो क्या हुआ कि एडमिशन क्लोज हो गया था, एंड ये वाला साल भी टाटा बाय बाय ज़ाया हो गया। मरियम काजी, व्लॉग्स कब आएंगे? अच्छा, व्लॉग्स ऐसे कि यार मैं सोच रही हूँ कि मैं बाहर जाऊँ, आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊँ, अच्छा सा कोई कंटेंट मिल जाए अच्छा सा, कि मैं बाहर जाके व्लॉग बनाऊँ। अगर मैं घर में फजूल की रूटीन दिखाऊंगी तो आप लोग नहीं देखेंगे, है ना? एस चरण का क्वेश्चन है, मकबूल के ज़्यादा क्लोज सिस्टर कौन है? तो मकबूल के जो क्लोज सिस्टर हैं वो है अलीशा, क्योंकि मकबूल भी गुस्सा करता है, अलीशा भी गुस्सा करती है, तो दोनों सेम है, तो उनकी बनती भी ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद फलकनाज 3456 का क्वेश्चन है, आपने टिकटॉक कब स्टार्ट किया और कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल गई? एक तो मेरी वीडियो वायरल गई थी, मैंने स्टार्ट किया है 2021 में फेब मार्च में, और मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था बस, और जो है माशाल्लाह मेरी बहुत सारी वीडियोस वायरल गई हैं, ठीक है, एक वो पतली कमरिया वाली और इसके अलावा जो है ट्रांसफॉर्मेशंस 10। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है फलकनाज 3456, सोशल मीडिया पे आने का ख्याल कैसे आया? सोशल मीडिया पे आने का ख्याल कैसे आया? मैंने ऐसे ही मजाक में अकाउंट पब्लिक किया, फिर अम्मी अब्बू भाई की मार खाई, उसके बाद क्या हुआ, मार खाते 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 मैं डीट हो गई, तो बस किसी ने कुछ बोला ही नहीं और बस ये चलता रहा। अभिया का क्वेश्चन है, आई एम योर बिगेस्ट फैन, मैं आपसे घर मिलने आ सकती हूँ? जी अभिया, अगर आपको पता है ना मेरा घर, तो आप मिलने आ सकती हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अभिया का, आपका शादी करने का क्या इरादा है? शादी करने का इरादा, हाँ अच्छा लड़का मिल जाए तो शादी करेंगे। जस्ट मिकी का क्वेश्चन है, आपको किस स्टाइल की ड्रेस पहनना पसंद है? ईस्टर्न, ज़्यादा कंफर्टेबल मैं ईस्टर्न में होती हूँ, मैं वेस्टर्न पहनती हूँ, और वेस्टर्न पहनने में मुझे मसला नहीं है,
पर कंफर्टेबल मैं ज्यादा ईस्टर्न में होती हूँ। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो ईस्टर्न इतने हैं मेरे पास, मैं क्या बताऊँ। मिस्टर अहमद 051, आप मीमन हो, आपका विलेज किधर है? जी मैं माशाल्लाह माशाल्लाह मैं मीमन हूँ, और जो है मेरा विलेज मोरो है। और खीजर मारूफ 6, फातिमा आपकी फेसबुक आईडी है? देखिए वो मेरी फेसबुक आईडी नहीं है, जाहिर सी बात है आप लोगों को पता है कि मेरा नाम अक्सा मीमन है, तो अब फातिमा किसकी आईडी है? मेरी पिक्चर्स यूज़ कर रही है वो लड़की, तो यार अगर तुम मेरी वीडियो देख रही हो तो ये नहीं करो। और तुम मेरी पिक्चर भेज रही हो किसी को, या तुम वो यूज़ कर रही हो आईडी और लड़के इम्प्रेस कर रही हो, पता नहीं क्या कर रही हो मेरी पिक्चर यूज़ करके, तो क्या होगा, कल को उसका दिल दुखेगा लड़के का, और तुम बाद में कुछ और निकलोगी और पिक्चर तुम मेरी भेज रही होगी। तो ये नहीं करो, किसी का दिल नहीं दुखाओ यार। मीमन अहमद मुराई का क्वेश्चन है, मोरो में आपके कोई रिलेटिव रहते हैं? जी मेरी पप्पो रहती हैं और मेरी खाला रहती हैं। मोहम्मद हसन 7137 का क्वेश्चन है, सिंगल हो या मिंगल? यार तुम लगती तो मिंगल हो, लेकिन अब बोलोगी सिंगल हो। शक्ल है मेरी मिंगल वाली। मैं आप लोगों को लगता है कि मुझसे कोई लड़का सेट होगा? कुछ भी गाइस। अच्छा दुआ एडिट 6, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं? यार मैं डॉक्टर बनना चाहती थी जिंदगी में, और जो है तो मैं नहीं बन पाई। अब मैं जो है बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर बनूंगी, यूट्यूबर बनूंगी। हमजा फरहान 5618 का क्वेश्चन है, आर यू एंगेज्ड और नॉट? बिकॉज माई मॉम फाइन गर्ल फॉर मी, सो शुड आई टेल माई मदर योर नेम? अच्छा बात ये है कि मैं एंगेज नहीं हूँ, ठीक है, ना मेरा कोई रिश्ता पक्का हुआ है ना कुछ हुआ है, ठीक है अभी। पर जो है दुनिया में बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिससे आप शादी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मम्मा को मेरा नाम बताएं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यूट नाजी 31 का क्वेश्चन है, क्या हुआ था लाइफ में प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो गई थी? तो यार हुआ ये था कि मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था ना, तो मैं बस उसमें फ़ेल हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने जो है खाना पीना बंद कर दिया था, और जो है पागल हो गई थी, रो रही थी बहुत ज़्यादा। दुख तो होता है कि आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, उससे उम्मीद लगा रहे हो, फिर वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स नहीं आता, तो फिर आप थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो, तो ये हुआ था बस। और उसके बाद ना जब तक मैंने दूसरों में अप्लाई करना शुरू किया, मतलब दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पर एडमिशन क्लोज हो गया था, तो इस वजह से, ठीक है। तो गाइज उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो देखिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस, नेक्स्ट व्लॉग्स में, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और जो है और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।